हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेस ऑफ कंपटीशन। हमारी जो आज की एरा है, वी फाइंड कंपटीशन एवरीवेयर। बचपन से ही देख लें, भाई बहन हैं या एक दो ब्रदर्स हैं, एक भाई बड़ा है दूसरा छोटा है। सपोजिबली बड़ा भाई किसी चीज़ में अच्छा है, चाहे पढ़ाई में, चाहे स्पोर्ट्स में, एनी वन थिंग। हम छोटे भाई को हमेशा यही ताना मारते हैं कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई कितना अच्छा है, तुम्हें उस जैसे बनना है, तुम्हें उससे आगे निकलना है। अब हम धीरे धीरे दोनों के बीच में एक जेलेसी का फैक्टर, एक कंपटीशन का फैक्टर क्रिएट करते जा रहे हैं, और यही फैक्टर बीज बन जाता है एनिमिटी के। हम एक दूसरे को पीछे हराना चाहते हैं। यही भाई अगर बड़े होकर चाहें कि मेरा भाई का काम अलग हो जाए और मेरा अलग हो जाए, या मेरा घर उससे बेटर बन जाए और उसका कम अच्छा हो, तो ये बीज हमने ही तो डाले हैं। सेम वे हम देख लें, स्कूल में हो, एक ही बच्चा फर्स्ट आ सकता है, लेकिन हर बच्चे के मन में यही फीड किया जाता है, पेरेंट्स के द्वारा भी, टीचर्स के द्वारा भी, कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें एक्सेल करना है। सब बच्चे एक दूसरे से कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं। फिर अगर शायद किसी को अच्छे से कुछ आता भी है, लेकिन हम दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, उसे बताएंगे नहीं। अरे अगर बता दिया, उसको सीक्रेट पता चल गया, तो वो आगे निकल सकता है, फिर शायद मैं फर्स्ट ना। और धीरे धीरे वही फ्रेंड्स जो हमारे अपने हैं, इस कंपटीशन की वजह से पराए होने लगते हैं। यही हम जॉब में देख लें या बिजनेस में देख लें। अगर दो भाई सेम बिजनेस में है, एक भाई दूसरे भाई पे नजर रखता है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ से माल ला रहा है, ताकि मैं उसे और सस्ते में लाऊं या उसका सप्लायर तोड़ दूं ताकि पूरा बिजनेस मैं ले पाऊं। तो व्हाट इज दिस कंपटीशन डूइंग टू अस? इट इज मेकिंग अस मैड, हमें पागल बना रही है। और इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन बड़ा ही सिंपल है। फर्स्ट द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें ये जानना पड़ेगा कि हम किसी न किसी चीज़ में अच्छे हैं, हमारी यूनिकनेस है, हमारी अपनी स्पेशलिटी है। वी ऑल आर डिफरेंट। मेरा भाई मुझसे पढ़ाई में अच्छा है, ही इज गुड एट इट, मे बी आई एम गुड एट समथिंग एल्स। और अगर शायद मैं भी पढ़ाई में अच्छा हूँ, उसके जितना नहीं हूँ, लेकिन मेरी कॉम्पिटिशन उससे है ही नहीं। हम दो अलग लोग हैं, क्या हम फोर्स कर सकते हैं दोनों की हार्ट बीट सेम हो? देखो हम दोनों के थंबप्रिंट से अलग हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम सेम हो जाएं? हमें कुछ ना कुछ फर्क रहेगा। हमारा ब्लड प्रेशर सेम नहीं हो सकता, हमारी हार्ट की बीट पल्स रेट सेम नहीं हो सकती, हमारी ऑक्सीजन लेवल सेम नहीं हो सकती, हमारी सांस लेने की स्पीड सेम नहीं हो सकती। हम इतने यूनिक हैं, तो हम पढ़ाई में, बिजनेस में क्यों कंपटीशन करें? हम क्यों नहीं जाने कि वो भी डिफरेंट हो सकता है, एंड वी आर गुड विद इट। देखिए, जब डॉक्टर आपके मेडिकल रिकॉर्ड चेक करता है, वो किसी और के साथ हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं मिलाता, वो हमारे ही पीछे के रिकॉर्ड से हमारे आज के रिकॉर्ड्स देखता है, ताकि हमारी सिचुएशन और खराब हुई है या पहले से इम्प्रूव हुई है ये पता चले। This is what we have to do in our own life. वो studies के case में हो, चाहे business के case में हो, we have to compete with our own self. हमारा जो report card है school में, उसके साथ हम अपनी competition करें कि क्या जितनी marks मुझे पहले मिली थी या जो grades मुझे पहले मिलते, मैं आज उससे better हुआ कि नहीं। तभी तो मुझे मेरी growth पता चलेगी। मुझे दूसरे के साथ comparison करके अपनी growth का level नहीं पता चलेगा। हो सकता है उसने इस टाइम उतनी तैयारी नहीं की, इसलिए मैं शायद उससे अच्छे हो गए मार्क्स मेरी। तो हम सबकी जर्नी बड़ी डिफरेंट है, हम सबके लाइफ में क्या हो रहा है बहुत अलग है। हर किसी की घर की परिस्थिति, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, एबिलिटीज बहुत अलग है। हम हमारी आंख की कंपैरिजन हमारे नाक के साथ या मुंह के साथ नहीं कर सकते ना, कि मेरी आंख उतना अच्छा सूंघ नहीं सकती या टेस्ट नहीं कर सकती। उसका काम कुछ और करना है, वो कुछ और के लिए स्पेशलाइज्ड है। अगर हम ऐसे ही अपने आप को देखें,
हो सकता है एक पढ़ाई में अच्छा है या एक सब्जेक्ट में अच्छा है, दूसरा किसी और चीज में अच्छा है. सो द कॉम्पिटिशन इज नॉट विद द अदर, द कॉम्पिटिशन इज विद वन सेल्फ. एंड व्हेन वी कम्पीट विद आवर ओन सेल्फ वी बिकम बेटर वर्जन्स. तब हमारी दूसरे के साथ दुश्मनी नहीं होगी, उसे हराने के पीछे नहीं लगेंगे. हम एक हेल्दी कॉम्पिटिशन में अपने साथ ही होंगे कि अपने से आगे बढ़ना है. जो हमारा पूरा टाइम और ध्यान दूसरे पर रहता था कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो सब अपने पे लौटेगा. हमारी एनर्जीज अपने ही अपलिफ्टमेंट के लिए लगेगी. वी कैन बिकम बेटर वर्जन्स ऑफ आवर ओन सेल्फ एंड दैट इज वॉट विल मेक अस मोर हैप्पी, मोर कॉन्फिडेंट, मोर बेटर इन आवर ओन लाइफ. मुझे ओशो एक कहानी सुनाते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो कहानी. एक बार एक लड़का था, वो अपने फादर से अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मुझे है ना वायलिन बजाना है, मैं वायलिन बजाने में अपना प्रोफेशन बनाना चाहता. उसके फादर ने उसको कहा, क्या बेवकूफों वाली बातें करते हो, वायलिन बजाने में कोई पैसे नहीं मिलते, वो कोई बिजनेस नहीं हो सकता, ये शौक या मिजाज होते हैं, इसे अपना प्रोफेशन नहीं बनाया जा सकता. ये थोड़ी और पीछे के जमाने की बात है जब तक म्यूजिक को उतना रिस्पेक्ट की नजरों से नहीं देखा जाता था या प्रोफेशन की नजरों से नहीं देखा जाता. उसके फादर ने कहा, हम सब फैमिली वाले डॉक्टर्स हैं, तुम्हें भी डॉक्टर ही करनी है, तुम्हें भी मेडिकल लाइन में ही जाना है. वो बच्चा फादर पे डिपेंडेंट था, फीस तो फादर ने ही देनी है, पढ़ानी तो उन्होंने ही है. तो ज्यादा लड़ भी नहीं पाया, उसने भी फैमिली ट्रेडिशन फॉलो किया, मेडिकल लाइन ली, अच्छे से ग्रेजुएट हुआ और फाइनली एक सर्जन बना. उसका बड़ा नाम भी हो गया, अच्छा सर्जन रिप्यूटेड भी हो गया. उसके अंदर बहुत से सर्जन को वो ट्रेन भी करने लगा. फाइनली जब वो 60 साल का हुआ और रिटायर होने गया, उसके फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उसे एक फेयरवेल पार्टी दी. उस फेयरवेल पार्टी में जब केक काटने का वक्त आया, लोगों ने उस सर्जन को जिसके लिए वो पार्टी रखी गई थी मिसिंग पाया, वो पार्टी में कहीं दिखा ही नहीं. सब ढूंढने लगे उसे. तब एक स्टूडेंट ने देखा वो गार्डन में बैठा है. वो स्टूडेंट दौड़ के गया सर के पास, सर चलिए ना आपके लिए केक काटने के लिए, सेरेमनी के लिए सब वेट कर रहे हैं. उसने जब आंख उठा के सर्जन को देखा, वो सर्जन रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे. तो उसका स्टूडेंट बड़ा हैरान हुआ, बड़ी सहानुभूति से पूछने लगा, सर क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई, हमने आज के दिन में कुछ तैयारी में कमी रख दी. वो सर्जन कहता है, नहीं गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है, मैं कभी सर्जन बनना ही नहीं चाहता था, मैं तो एक वायलिन बजाने वाला होना चाहता था और मेरे लाइफ में वही कांटा चुभता है, वही डिससैटिस्फैक्शन आज भी है. मैं कॉम्पिटिशन में लग गया, मैं अपनी ही फैमिली के साथ दूसरे सर्जन के साथ और अच्छा बनने की कोशिश में लग गया और जो मुझ में टैलेंट था वो खोता गया. तो सबने पूछा, आपके फादर को मरे हुए भी तो काफी साल हो गए, आपने फिर क्यों नहीं छोड़ा? उसने कहा, तब तक मेरा नाम हो गया था, मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया था, मेरी इनकम अच्छी हो गई थी और मेरी एक सेटल्ड लाइफ चल रही थी, मैं उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था. तो हम कम्फर्ट के लिए, अपने नेम फेम के लिए अपनी खुशी खोने लगते हैं, भूलने लगते हैं. और इसीलिए हम देख रहे हैं आजकल हमारी लाइफ में द फैक्टर दैट इज मिसिंग इज सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय. मैं ये पूरी बात आपको आज इसलिए कहना चाह रही हूँ कि देखिए, हम एजुकेशन सिस्टम को, फैमिली के सोच विचार को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हमें ये बात समझ आ जाए कि हम दूसरों से कंपटीशन ना करें, एटलीस्ट हम अपने बच्चों को उसमें ना लगाएं, हम उन्हें उनका बेटर वर्जन बनने दें जिसके लिए वो अच्छे हैं, जिसके लिए वो बेटर हो सकते हैं, हम देखेंगे हमारी लाइफ भी ज़्यादा सुकून वाली, रिलैक्स्ड हुई, उस माइंड में एक स्ट्रेस कम होने लगा दूसरों से बेटर होने का, हम अपनी ही क्वालिटीज को और निखारने में लग गए और अपना बेटर वर्जन बनने. So that is all from me for you all today. कि देखिए, हम कॉम्पिटिशन में अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं, एक दूसरे से जलेसी अपने दिलों को खराब करते जा रहे हैं, रिश्तों को भी खराब कर रहे हैं,
शायद जिस दोस्त से हम गहरी दिल की बातें कर सकते थे, उसे कंपटीशन की नजरों से देखने की वजह से उसे अब शत्रु मानने लगे हैं। ड्रॉप इट, लेट इट गो, कंपटीशन इज नॉट फॉर अस, वी आर मेंट टू बी बेटर अस, लेट मी बी बेटर मी। ये जो लाइफ ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, लेट अस अवेल इट वेरी वेल एंड बिकम बेटर अस बाय कंपटीशन विद वनसेल्फ एंड नॉट विद अदर्स। थैंक यू।